स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये प्योर की तरफ से आने वाली न्यू इट्रेंस की, जो गाड़ी अभी हमारी नवंबर में लॉन्च हुई है। आज मैं इसी की पूरी डिटेल बारे में बताऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका प्राइस कितना है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, इसमें आपको कैसी डिज़ाइन मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपकी पूरी फुली फाइबर से बनाई गई है और यहाँ पर आपको हेडलाइट दी गई है जो कि पूरी तरीके से LED बेस्ड है। और यहाँ पर आपको इसकी लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर दिया गया है, ये भी पूर्णतः रूप से LED बेस्ड है। और यहाँ पर आपको इट्रेंस नियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको इसका टायर देखने को मिल जाता है जो कि 10 इंच का है और इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। और अगर इसके टायर की बात करें तो इसमें आपको C8 Zoom कंपनी का टायर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और बैक साइड में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी बूट फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बूट फ्लोर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप हैवी सामान आराम से रख सकते हैं और आराम से ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अपना चार्जर वगैरह या मोबाइल और वाटर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको हैंगिंग के लिए दिया गया है, यदि आपको कुछ सामान टांगना है तो आप यहाँ टांग सकते हैं। और यहाँ पर इसका चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया गया है, यहाँ पर आप लगा कर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका अपर डिपर का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको लेफ्ट और राइट कीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है। अगर इधर की बात करें तो इधर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है और नीचे आपको पावर स्टार्ट करने का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मोड्स देखने मिलते हैं, इसमें आपको 3 मोड्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये आपको पार्किंग का बटन दिया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसकी डिस्प्ले को ऑन करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है ये आपको 4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको प्योर EV लिखा मिल जाता है और नीचे आपको प्योर EV की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसकी बैटरी कितनी चार्ज है वो दिख शो करता है और आपका यहाँ पर मोड दिखाता है कि कौन से मोड पर ये लगी हुई है। और यहाँ पर आपको पार्किंग दिखाता है, यदि इसको आप हटाएंगे तब ये आपकी राइडिंग मोड में आ जाएगी। और नीचे की ओर आपको कितना राइड कर चुके हैं उसका किलोमीटर दिखाता रहता है। यहाँ पर भी आपको नियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैक साइड पर। यहाँ पर आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है जो कि LED बेस्ड है और आपका लेफ्ट और राइट इंडिकेटर है वही पूरी तरीके से LED बेस्ड है। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये आपकी हाई स्पीड गाड़ी है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको प्योर EV का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको फुट रेस्ट के लिए दिया गया है, आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपका एक फुट रेस्ट यहाँ मिल जाता है जो कि आपका इसी में इनबिल्ट है। आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ के फॉकर देखने को मिल जाते हैं और ये आपका सेफ्टी के लिए, मोटर सेफ्टी के लिए यहाँ पर गार्ड दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाले मोटर की। दोस्तों इसमें आपको 2200 वाट की मोटर देखने को मिलती है जो कि BLDC हब मोटर है। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और इसके कंट्रोलर पर भी 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाले बैटरी की। दोस्तों इसमें आपको 2.5 किलोवाट की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि पोर्टेबल बैटरी है। इस बैटरी की वजह से इसमें आपको डिग्गी में स्पेस कम देखने को मिलती है, केवल इसमें आप चार्जर रख सकते हैं। अगर इस बैटरी की वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है या फिर आप 40,000 किलोमीटर जो भी पूरा हो जाता है तो आपकी बैटरी की वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें मोड्स की, इसमें आपको कौन कौन से मोड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जब इसको हम ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग मोड दिखाता है, जब इसको आप हटाएंगे तब ये आपका स्टार्ट मोड पर आएगा, अब आप राइड कर सकते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला मोड पर लगा हुआ है, चलिए देखते हैं इसमें कितनी स्पीड आती है फर्स्ट मोड पर चलाने पर। तो दोस्तों फर्स्ट मोड पर आपको 39 तक की स्पीड देखने को मिल जाती है और इसको यूज़ करके आप 100 से 120 की एवरेज ले सकते हैं। अगर सेकंड मोड की बात करें तो इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है, चलिए देख लेते हैं एक्चुअल कितनी दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको टॉप स्पीड 52 किलोमीटर की देखने को मिलती है और इसकी एवरेज की बात करें तो ये आपको 100 से 110 की रेंज दे देगा। अब बात करते हैं इसकी थर्ड मोड यानी स्पोर्ट मोड की, इसमें आपको कितनी स्पीड देखने को मिलती है। इसकी स्पीड मैक्सिमम आपकी 64 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और यदि आप डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 60 से
75 तक की एवरेज देखने को मिल जाती है, यानी आप 60 से 75 किलोमीटर की आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर सीट की बात करें तो सीट आपको बहुत ही मीडियम साइज़ की मिल जाती है, इसमें दो लोग आराम से बैठ करके राइड कर सकते हैं। और जो इसकी कुशन है यह भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप इसको बैठ करके आराम से काफ़ी लंबी दूरी तक की चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो इसका फुट रेस्ट है यह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं और इसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इस गाड़ी में कीज़ की बात करें तो इसमें आपको दो रिमोट देखने मिलते हैं और दो कीज़ मिलती हैं। इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, यदि आप इसको लॉक करते हैं, यदि कोई आपकी गाड़ी को छूता है तो ये हॉर्न बजने लगेगा और जो इसका पीछे का मोटर है वह जाम हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ तो दोस्तों हमारा जो हॉर्न है वो ऑन हो गया है, अब ये हमारी गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये भी पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, जो क्या इसका फंक्शन ये भी काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसमें सर्विसेज कितनी आपको फ्री मिलने वाली हैं। दोस्तों इसमें आपको 4 सर्विस फ्री मिलने वाली हैं, आप समय समय पर करवा सकते हैं। वैसे इसकी सर्विस की कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें आपको ज़्यादा सर्विस कॉस्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि यह आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो सर्विस कॉस्ट बिल्कुल नॉर्मल ही रहने वाली है। और अगर इसमें बिजली कंजप्शन की बात की जाए तो इसको एक बार फुल चार्ज करने में आपको लगभग 2 यूनिट की बिजली लग सकती है कम से कम, और एक बार चार्ज करने पर आप इसमें 120 तक की किलोमीटर की राइड का आनंद ले सकते हैं अपने मोड के हिसाब से। आप इसका ख़रीदना चाहें तो आप इसको अप्रॉक्स 76,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, और इस पर आपको बजाज फाइनेंस सुविधा मिल जाती है, और भी आपके कई सारे बैंक हैं जिस पर आप इसको फाइनेंस करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी ऐसे गाड़ी की वीडियोस मिल सके वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।